नमस्कार, मैं हूं वंदना। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जसपाल कौर जी। जैसा कि आप जानते हैं, एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और रिजल्ट आने वाला है। ऐसे में अभिभावक अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो बहुत अच्छा करें, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट अच्छा ना होने की वजह से बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं। जसपाल जी, बच्चे आत्महत्या ना करें, ऐसे में अभिभावकों को आप क्या कहना चाहेंगी? पहले तो मैं ये पेरेंट्स को ये इस चीज़ के लिए अवेयरनेस देना चाहूँगी कि बच्चे का एग्ज़ाम शुरू होने से पहले क्या करना चाहिए। बच्चे को पहले से ही प्रिपरेशन करवानी चाहिए कि एग्ज़ाम्स की जो सिलेबस है वो कितना है और कितनी तैयारी उनको करनी है, किस तरीके से तैयारी करनी है। और मोरओवर ये चीज़ों का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि बच्चा जो है किस माहौल से गुजर रहा है उस वक्त, और अगर टेंशन है तो किस तरह की टेंशन वो फील कर रहा है, पेरेंट्स के लेवल पे है या घर में कोई प्रॉब्लम है या स्कूल की तरफ से है। ये चीज़ें सारी ध्यान में रखे, पेरेंट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहता है कि बच्चे को पहले काम डाउन करना चाहिए। जो स्ट्रेस लेवल है, बच्चा जो फील कर रहा है, एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही ये तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। ये नहीं कि एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं और बच्चा स्ट्रेसफुल है, क्योंकि एग्ज़ाम ठीक ही नहीं हुए हैं बच्चे के, तो ऑब्वियस है बच्चा स्ट्रेसफुल रहेगा। और हो सकता है कुछ हद तक वो अपने अभिभावक जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, उनके साथ ये बातें शेयर भी ना करें कि पेपर अच्छे नहीं हुए हैं उस वजह से वो स्ट्रेस फील कर रहा है, या पीयर प्रेशर है कि बाकी मेरे जो दोस्त हैं उनके बहुत अच्छे हुए हैं इस वजह से वो घर पे नहीं बता पा रहा है। ये सारी चीज़ें मिलकर जो स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, जो ट्रॉमा क्रिएट करती है बच्चे के ब्रेन में, उस वक्त पेरेंट्स ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जो एक अच्छी इंपॉर्टेंट कड़ी की तरह काम करते हैं, जो उनको ही ये चीज़ें देखनी है कि बच्चे का लेवल किस हद तक है, वो कहाँ तक जो है सिलेबस कंप्लीट कर पाया है, उसकी तैयारी कहाँ तक है। क्योंकि घर पे जो स्टडी कर रहा है, ट्यूशन पे स्टडी कर रहा है, अगर पेरेंट्स मान लीजिए पढ़े लिखे नहीं हैं, तो एटलीस्ट जो ट्यूशन पे अगर आप बच्चा भेज रहे हैं तो उस टीचर के साथ लिंकअप ज़रूर रखें कि वो तैयारी कहाँ तक कर रहा है, कितने मार्क्स आ सकते हैं। मार्क्स पे सिर्फ डिपेंडेंट रहना बहुत ज़रूरी नहीं मैं समझती हूँ, क्योंकि आजकल जो है टीचर्स पेरेंट्स सब मार्क्स से रिलेटेड हो गए हैं कि इतने 95% 100% अचीव करने, सिर्फ मार्क्स तक ही सीमित रहें। बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट देखें कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हुई है। नो डाउट इन सारी चीज़ों को अगर ध्यान में रखा जाए, तैयारी करवाई जाए, तो कोई भी परेशानी, आत्महत्या का जो डिसीज़न बच्चा लेता है वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल है, वहाँ तक पहुँचने तक बहुत से लेवल से क्रॉस होके बच्चा वहाँ तक पहुँचता है। पर अगर हम वो शुरुआती तौर पे ही अगर जान लेंगे कि बच्चा उस हद तक जाए ही क्यों, तो मुझे नहीं लगता कोई बच्चा इतना एक्सट्रीम स्टेप ले पाएगा। बच्चों पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, एग्ज़ाम्स चाहे मर्जी जैसे हुए हों पर बच्चों पे कई बार प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि हमारे इतने परसेंट नहीं आए तो मम्मी पापा ऐसे प्रताड़ित करेंगे, ऐसे कहेंगे, वैसे कहेंगे, तो मतलब वो डर के कारण भी कई बार ऐसे स्टेप उठाते हैं। तो ऐसे में आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल वंदना जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके इस सवाल के साथ, क्योंकि जो प्रेशर क्रिएट किया गया है, नो डाउट समाज की तरफ से बाद में क्रिएट होता है, पेरेंट्स की तरफ से पहले क्रिएट हो जाता है। जो प्रेशर है वो बच्चा अपने घर के लेवल पर पहले फील करने लग जाता है, स्कूल में बाद में फील होता है। और जो पेरेंट्स का प्रेशर है वो अलग प्रेशर है, क्योंकि वो सोसाइटी की तरफ से, समाज की तरफ से, कि दूसरों का बच्चा जो है 95% ले रहा है और मेरा बच्चा जो है 55% पे है, वो फर्स्ट डिवीज़न में है, ये सेकंड डिवीज़न में है, जबकि सेम ट्यूशन में जा रहे हैं और सेम पैसा मैं भी खर्चा कर रहा हूँ उतना ही। ये सारी चीज़ें जो हैं एक स्टेटस लेवल पर जो है पेरेंट्स भी क्रिएट कर लेते हैं, पर बच्चे के लेवल पर सोचना बहुत ज़रूरी है कि वो उसकी एबिलिटी क्या है, वो कहाँ तक डेवलपमेंट जो है कर पा रहा है। पर बच्चे की डेवलपमेंट को लेके सिर्फ पेरेंट्स ही जिम्मेवार नहीं है, इसमें स्कूल के टीचर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, उनको भी देखना पड़ता है कि बच्चे की परफॉर्मेंस किस लेवल तक आ रही है। उसका गोल सेटिंग जो है एक ऐसा नहीं करना चाहिए कि हाँ ये बच्चे को सिर्फ डायमंड कैटेगरी में या प्लैटिनम कैटेगरी या फर्स्ट डिवीज़न में ही आना है, उससे नीचे आएगा तो मतलब बच्चा जो है कुछ सीख ही नहीं सकता। हमें ये चीज़ें जान लेनी चाहिए कि बच्चे की परफॉर्मेंस जो है, हर एक बच्चा एक तो यूनिक है, ये चीज़ सबको एक्सेप्ट करनी चाहिए, हर पेरेंट्स को भी। हर बच्चा अपने लेवल पे सीखता है, हर बच्चे के सीखने का तरीका भी अलग है। अगर ये तीन चीज़ों को हम स्टेप वाइज लेते हैं, कोई भी बच्चा अपने लेवल की परफॉर्मेंस देने में पीछे नहीं रहेगा। जैसा कि जसपाल जी ने बताया कि कोई भी बच्चा अपनी परफॉर्मेंस देने में पीछे नहीं रहता है, समझना माँ बाप को भी पड़ेगा साथ में। तो माँ बाप को ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए कि जिससे वो अपने बच्चे का पूरी तरह से ध्यान रख सकें? जी बिल्कुल,
माँ बाप को पहले तो बच्चे की परफॉर्मेंस बेस पे एबिलिटी को जांचना बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चे का लेवल क्या है। ये नहीं कि साथ वालों का बच्चा 95% लेता है तो आपके बच्चे का भी टारगेट सेट है कि इस एग्जामिनेशन में वो 95% लेगा तो उसको मैं लैपटॉप लेके दूंगा। ये चीज़ों की जो गिव एंड टेक का रिलेशन जो पेरेंट्स ने आजकल अपनाया ये बहुत ही गलत है। इस रिलेशन को पहले तो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लेके आए, बच्चे को भी पता होना चाहिए वो कितना अचीव कर सकता है। दोनों जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो सेटिंग जो है बच्चे के अकॉर्डिंग और पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, दोनों की बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग डेवलप होनी चाहिए। इन दोनों चीज़ों में गिव एंड टेक रिलेशन जो है एक अच्छे तरीके से जो है डेवलप होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है वो सिर्फ ये चीज़ें देखता है कि लैपटॉप अगर मुझे मिलेगा तो ही मैं 95% लूँ। पर अगर 95% अगर वो नहीं ले सकता है तो क्या हम उसको लैपटॉप के बजाय कोई और चीज़ देके भी मोटिवेट कर सकते हैं कि अगर वो 55% भी ला रहा है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है पर वो स्पोर्ट्स में आगे जा सकता है, वो और फील्ड में आ गया। हमें ये जानना ज़रूरी है कि उस बच्चे की स्ट्रेंथ किस में है, ना कि उसके सामने सिर्फ टारगेट रख देना कि ये चीज़ आप अचीव करोगे तो मैं आपको ये लेके दूंगा, जो कि नॉर्मली पेरेंट्स की तरफ से किया जाता है। पेरेंट्स को पहले बच्चे की परफॉर्मेंस बेस पे एबिलिटी जांचनी है कि आपका बच्चे का लेवल क्या है, उस बेस पे टारगेट जो है बच्चे के सामने सेट कॉल जो है गोल सेटिंग करनी होगी। गोल सेटिंग के बाद जब अचीवमेंट आती है तो उसकी स्ट्रेंथ को देखिए, ना कि उसकी कमियों को। पहले उसकी स्ट्रेंथ को देखिए किस चीज़ में बच्चा अच्छा है, उस स्ट्रेंथ को लेके ही आप टारगेट जो अचीव करने के लिए बच्चे के सामने गोल सेट कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने माँ बाप का गलत फायदा उठाने लगते हैं, वो गलत हरकतों में पड़ जाते हैं, गलत आदतों में पड़ जाते हैं, तो ऐसे में माँ बाप को क्या करना चाहिए? गलत हरकतों भी ले सकते हैं कि ये भी चीज़ें जो है सोसाइटी में से ले सकते हैं कि पीयर प्रेशर क्या रहता है बच्चे का। पीयर प्रेशर में बच्चे के रिगार्डिंग देखना होगा उसका ग्रुप क्या है, उसकी कंपनी किस कैसे दोस्त हैं उसके, या स्कूल में कैसी कंपनी है, या फैसिनेट किन चीज़ों से हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि पेरेंट्स जो हैं वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं पर दूसरे पीयर प्रेशर में वो चीज़ें वो देख रहा है और फैसिनेट हो रहा है, उन चीज़ों को पाने की चाह रख रहा है। तो ये पेरेंट्स को देखना होगा कि उनकी कंपनी ज़रूर देखें बच्चे की, कि वो किन लोगों से मिलता है, किस तरह की जो है उसके टाइम जो है उसका, अगर मतलब फ्री टाइम है तो किन चीज़ों में वो जुड़कर अपना टाइम पास करता है। ये सारी चीज़ें माइन्यूटली ऑब्जर्व पेरेंट्स की तरफ से होनी चाहिए। नो डाउट स्कूल की तरफ से भी पेरेंट्स को सपोर्ट दिया जा सकता है कि स्कूल में जो ग्रुप है उसकी कंपनी कैसी है, वो परफॉर्मेंस कैसा कर रहा है, क्या कुछ दिनों में उस कंपनी के दौरान उसकी परफॉर्मेंस डाउन जा रही है, किस दोस्तों से मिल रहा है और परफॉर्मेंस अगर डाउन गई है तो क्यों गई है। बच्चे के साथ वन टू वन जो है एक सोल्यूशन के तौर पे बात ज़रूर होनी चाहिए, स्कूल के लेवल पे भी और घर के लेवल पे भी, तो ही पेरेंट्स जान पाएंगे कि एक्चुअल में रीज़न कहाँ, मतलब किस चीज़ में ऐसा तरीका अपनाएं कि क्यों बच्चा इन चीज़ों में पड़ गया है। अगर बच्चा ऐसे इन चीज़ों में पड़ जाता है तो बच्चों को आप क्या सलाह देंगी? बच्चों को सबसे पहले तो मैं इसमें सलाह देने के लिए, मैं बच्चे की एज बहुत मैटर करती है, क्योंकि छोटे लेवल पे अगर आप प्राइमरी लेवल पे अगर मैं बच्चे को देखूं कि गलत संगत में पड़ चुका है तो उस बच्चे को समझाना बहुत आसान रहता है पेरेंट्स के तरीके की, पेरेंट्स की तरफ से भी और एक एज अ काउंसलर की तरफ से भी, स्कूल की तरफ से एज अ टीचर भी ऑल्सो। पर अगर बच्चे की एज जो है टीन एज में है तो उस तरह टीन एज में आपको सोचना पड़ता है कि उस बच्चे की हरकतें क्या रही हैं, वो फिज़िकली किसी गलत तरीकों में इन्वॉल्व हो चुका है या मेंटली किसी ट्रॉमा के अंदर अपने आप को गलत फील कर रहा है, तो वो चीज़ें सारी बच्चे की आपको सारा सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ेगा। उसके काउंसलिंग सेशंस जो है डिसाइड होंगे कि ऐसे क्या चीज़ है बच्चे को जो परेशान कर रही है, जो अपने आप को वहाँ से निकाल नहीं पा रहा है। नो डाउट बच्चे की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी रहती है पेरेंट्स की तरफ से भी। अगर बहुत ज़्यादा फिज़िकली या मेंटली इन्वॉल्व हो चुका है बच्चा तो क्लिनिकल तौर पे भी आप जो है सहायता ले सकते हैं, साइकेट्रिस्ट की भी, पर डिपेंड करता है सबसे पहले पेरेंट्स की तरफ से इनिशिएटिव कि उसको धुतकारे नहीं कि वो गलत है तो उसको बिल्कुल भी पूछे नहीं या उसी पे छोड़ दें, कि क्योंकि बच्चा डिसाइड नहीं कर सकता कि वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है, वो डिसीज़न हमें ही लेना होगा, उसको समझाना भी हमने और तरीका भी हमें ही चूज़ करना होगा। पहले 60% पे भी कहा जाता था कि भाई फर्स्ट डिवीज़न आ गया, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, और अब जो है 95% आने के बावजूद ये कहा जाता है कि तुमने क्या किया है, बच्चे को इस तरीके से डांटा जाता है और भी बहुत कुछ बोला जाता है, तो हमें कहाँ क्या बदलाव करने की ज़रूरत है?
ये सेटिंग 60% और 95% की मैं यही कहना चाहूँगी, ये हमारा ही क्रिएट किया हुआ क्राइटेरिया है, क्योंकि समाज में कंपटीशन लेवल इतना बढ़ चुका है, हर फील्ड में कंपटीशन है, स्पोर्ट्स से लेके एकेडमिक में लेके, इवन अगर बच्चा पास आउट हो चुका है स्कूल से, उसके बाद भी फील्ड कौन सी चूज़ करनी है वोकेशनल लेवल पे, उसमें भी बहुत कंपटीशन है। गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, प्राइवेट सेक्टर में जाना है, उसके लिए भी यूनिवर्सिटी कौन सी चूज़ करनी है, सब जगह पे कंपटीशन है। ये कंपटीशन का लेवल भी इस हमने ही डिसाइड किया है, क्योंकि 60% अगर एवरेज लेवल पे सभी बच्चे 60% ले पा रहे हैं तो एडमिशन किसको दिया जाए। नो डाउट गवर्नमेंट की तरफ से भी सेट क्राइटेरिया जो है कट ऑफ 95% अगर सेट किया गया है तो बच्चे 95% ले रहे हैं, तो ये कट ऑफ जो है सेट हुआ है। पर उन बच्चों का क्या जो ये 95% तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, ये नहीं है कि 95% पहुंच नहीं पा रहे हैं तो उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, पर उनके लिए उस वोकेशनल कैटेगरी को चूज़ करना होगा, वो पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। और इवन इसके लिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल्स बने हैं बच्चों के, जहाँ पे वो गाइडेंस ले सकते हैं कि आफ्टर प्लस टू के बाद उन्हें क्या करना है, कौन सी फील्ड लेनी चाहिए, या 95% अगर नहीं आए हैं तो क्या चूज़ करें, या किस फील्ड में जाएं जिसके आगे वो डेवलप कर सकते हैं, या कौन सा एरिया वो चूज़ करें वोकेशनल लेवल पर जो प्रोफेशनली उनको हेल्प आउट करे। पर ये डिपेंड करेगा सारा बच्चे की परफॉर्मेंस जो है, जो बच्चे के कट ऑफ मार्क्स आए हैं उसके बाद वो काउंसलिंग सेशन ज़रूर ले सकते हैं, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट से भी ले सकते हैं, पर्सनली भी विजिट कर सकते हैं। पर पेरेंट्स का महत्वपूर्ण रोल रहता है इसमें कि बच्चे को हर लेवल पे मोटिवेट ज़रूर करें, ये नहीं कि 95% या 100% अचीव नहीं कर पाया है तो वो किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो किसी भी फील्ड में नहीं जा पाएगा, या अब उसके लिए सारी ऑप्शंस बंद हो चुकी हैं। तो उस बच्चे को मोटिवेशन उस टाइम पे सपोर्ट की ज़रूरत बहुत रहती है। कई बार जो पेरेंट्स होते हैं वो साइकेट्रिस्ट के पास जाने से डरते हैं, तो ऐसे में आप माँ बाप को और बच्चों को क्या सलाह देंगी? बिल्कुल, आपका जो सवाल है वंदना जी, मैं इसको दो तरह से लेना चाहूँगी। कुछ पेरेंट्स में अवेयरनेस ना होने की वजह से साइकेट्रिक को एक नेगेटिव फील्ड में लिया जाता है कि साइकेट्रिक के पास शायद वो बच्चे जाते हैं जिनको मेंटली प्रॉब्लम है, या जिनका दिमागी तौर पे संतुलन ठीक नहीं है, जो नॉर्मल सेट क्राइटेरिया समाज में बना हुआ है साइकेट्रिक डिपार्टमेंट के लिए। पर आजकल अवेयरनेस बच्चों के लिए और पेरेंट्स को भी जो पॉजिटिव पेरेंटिंग सेशन जो स्कूल की तरफ से जो क्रिएट किए गए हैं उनको दिए जाते हैं, उनको बहुत अच्छी नॉलेज दी गई है कि साइकेट्रिक टेस्टिंग जो है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है जिनका संतुलन, दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, ये उन बच्चों की गाइडेंस के लिए भी है कि जो परफॉर्मेंस उनकी आ रही है आगे उनको लाइफ में क्या करना है, जो इनकी स्ट्रेंथ है उसको पहचानने के लिए, उनके पेरेंट्स भी नहीं जान पाते कि मेरा बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, और बच्चा भी नहीं गाइड अपने आप को बता पाता कि शायद मैं मैथ्स में अच्छा हूँ या साइंस में अच्छा हूँ। तो एक साइकोलॉजिकल प्रॉपर टेस्टिंग है इसके लिए, जिसमें टेस्टिंग के दौरान हम जान सकते हैं कि बच्चे की एकेडमिक स्ट्रेंथ किस में है और उसको पर्टिकुलर सब्जेक्ट किस एरिया में चूज़ करनी चाहिए, ताकि वो वोकेशनल ट्रेनिंग लेके उस एरिया में आगे प्रोफेशनली उस फील्ड में अचीवमेंट कर सके। कई बार बच्चे अपने माँ बाप से झूठ बोल देते हैं कि हमारे पेपर बहुत अच्छे हुए हैं, और उनके पेपर अच्छे नहीं होते, जब रिजल्ट सामने आता है तो पता चलता है कि बच्चा फेल हो गया। ऐसे में आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगी? बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगी, झूठ बोलना बच्चा देखिए शुरू करता है पेरेंट्स के डर से। अगर बच्चा झूठ बोल रहा है उसका कारण भी पेरेंट्स हैं, और अगर सच बोल रहा है तो उसका कारण भी पेरेंट्स ही हैं। अब ये पेरेंट्स पर डिपेंड करता है कि वो स्पेस कितनी दे रहे हैं अपने बच्चे को, कि वो सारी चीज़ें उनसे शेयर कर पा रहा है। और ये चीज़ें सिर्फ एग्ज़ाम के ड्यूरिंग की शुरुआत नहीं होनी चाहिए, जब फर्स्ट डे बच्चा स्कूल में स्टेप इन होता है उस वक्त से ही काउंसलिंग पेरेंट्स की तरफ से शुरू हो जानी चाहिए कि पूरा दिन उस बच्चे ने क्या किया, टीचर जो आई थी क्लास में उस टाइम क्या हुआ, उसको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, ताकि बच्चे की एक हैबिट जो है वो बन जानी चाहिए कि घर आके मेरे से ये क्वेश्चनिंग की जाएगी, और एक एक पर्सन है घर में जिसके साथ मैं खुल के बात कर सकता हूँ, मुझे कुछ अच्छा लगा है तो एक कॉर्नर है घर में, या माँ का या पिता की तरफ से, कि मुझे वहाँ पर एक सिक्योर कॉर्नर दिया जाएगा कि जो मेरे साथ गलत हुआ है या बुरा हुआ है या अच्छा हुआ है, अच्छे होने पर मोटिवेशन मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, अगर बुरा हुआ है तब भी मुझे समझाया जाएगा या थ्रेटन नहीं किया, एक डर नहीं होगा उस बच्चे के दिल में। अगर ये चीजें शुरुआती तौर पे ही पेरेंट्स करते हैं तो नो डाउट बच्चा कोई भी चीज अपने पेरेंट्स से छुपाता नहीं है।
पर अगर पेरेंट्स ही अगर बच्चे को डांटेंगे तो बच्चा उस चीज़ में स्केपिंग बिहेवियर डेवलप कर लेता है, जो एक साइकोलॉजिकल टर्म है, जिसमें बच्चा शेयर करने की बजाय अपने आप की इमेज क्रिएट करता है कि मैं सब चीज़ों में बहुत अच्छा हूँ, और वो अपने पीयर ग्रुप्स में भी यही चीज़ शो करना चाहता है कि मैं भी अचीव कर सकता हूँ, अपनी स्ट्रेंथ को दिखाना जो है, जो कि एक्चुअल में नहीं है, जो वीकनेस को है उसको छुपा के एक डिफेंस मैकेनिज्म जो है क्रिएट करता है जो बच्चा, ये पेरेंट्स की तरफ से उनको जानना चाहिए कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, कहीं फेक पर्सनालिटी अपने आप को शो ऑफ करने के लिए पीयर प्रेशर की तरफ से तो नहीं कर रहा है, कि उसके ग्रुप में ऐसा कुछ है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। जो अचीवमेंट, जो रिकग्नाइजेशन की एक लालसा बच्चे में डिवेलप होती है, वो पेरेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है कि वो रिकग्नाइजेशन उसे घर से दी जाए, ताकि बाहर आने पर उसको ऑड ना लगे। वो सच्चाई जो है वो जो घर पे शेयर कर पाएगा, बाहर से जो उसको चीज़ें मिलेंगी वो घर में शेयर करने में फिर उसे दिक्कत नहीं देगी। क्या स्कूल्स के अंदर ऐसा कोई पीरियड होना चाहिए जिसमें कि उनको ये बताया जाए कि आपकी पर्सनालिटी ऐसे डेवलप होती है, आप अपनी पर्सनालिटी को ऐसे डेवलप कर सकते हैं, ऐसा कोई पीरियड होना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहूँगी, अगर स्कूल में ऐसी चीज़ें बना दी जाएं कि एक पीरियड जो है पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे, बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे उनको बताया जाए कैसा होना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पर नो डाउट ये गाइडेंस काउंसलिंग जो है बच्चों के सेशन स्कूल में कंडक्ट किए जाते हैं रेगुलर बेसिस पे, पर एज अ रेगुलर पीरियड अगर एकेडमिक में भी किया जाए, सो हर बच्चा जो घर पे खुल के नहीं बात कर पा रहा, तो वो कहीं ना कहीं टीचर के साथ बॉन्डिंग डेवलप करके ज़रूर शेयर कर सकता है। जब बच्चों को साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम आती है तो टीचर्स को ज़्यादातर जल्दी पता चलता है आम तौर पर, तो ऐसे में टीचर्स को क्या कदम उठाने चाहिए? टीचर्स को सबसे पहले तो देखना चाहिए बच्चा अगर साइकोलॉजिकल तौर पे जो प्रॉब्लम आई है वो किस एरिया में आई है, वो एकेडमिक एरिया में है या बिहेवियरल एरिया में है। अगर तो एकेडमिक एरिया में है तो सिर्फ एक सब्जेक्ट में आई है या सारे सब्जेक्ट्स में है, और अगर बिहेवियर में है वो टेम्परेरी है या लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब एक काफ़ी क्लीनली ऑब्जर्वेशन आप कह सकते हैं कि केस स्टडी जो है प्रॉपर तैयार की जाती है, अगर बच्चे में ये सिवियर लेवल पे है या सिर्फ टेम्परेरी जोन जो है उसी टाइम पे सिर्फ थोड़े समय के लिए आई है। तो अगर वो पेरेंट्स की भी गाइडेंस ले सकें कि घर पे भी ये दिक्कत सेम ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जो स्कूल में आ रही है, तो बहुत अच्छा रहेगा कि पेरेंट्स को भी उसमें इन्वॉल्व किया जाए, और उसके बाद टीचर अगर काउंसलर को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं तो उसका सोल्यूशन जल्दी लिया जा सकता है। क्या माता पिता और बच्चे दोनों के बीच में ऐसी बॉन्डिंग हो सकती है कि कोई भी बात आत्महत्या तक ना पहुंचे किसी की भी तरफ से? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। ये एक नॉर्मल लेवल पे तो नहीं मैं लेना चाहूँगी ये क्वेश्चन, एक बहुत इंटेंसिव आपको कि एक सेंसिटिव टॉपिक है कि बच्चा इतना डीप स्टेप तब लेता है जब उसके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से तो पेरेंट्स की तरफ से इनिशिएटिव सबसे पहले होना चाहिए, बच्चे को इतना प्यार ज़रूर दें कि बच्चा आपके साथ खुल के बात कर सके। पर नो डाउट बच्चे की अचीवमेंट के रिगार्डिंग आप बात करते हैं तो उसको मोटिवेशन अगर दे रहे हैं तो एक नेगेटिविटी उसमें नहीं होनी चाहिए कि वो अगर ये नहीं कर पाएगा तो दुनिया में वो कुछ भी नहीं कर सकता या किसी भी चीज़ के लायक नहीं है। उसको मोटिवेशन इस तरीके से दें कि अगर वो 60% भी लेके आया तो तब भी वो बहुत कुछ कर सकता है, उसके लिए आगे ऑप्शंस हैं। उसकी एबिलिटी को पहचानें, हर बच्चा अलग है, हर बच्चे के तरीका सीखने का अलग है, हर बच्चे को यूनिक जो है लर्निंग जो पेस है वो अलग है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए कि इसको हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं और बच्चे की डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट किस तरीके से कर सकते हैं ताकि जो बच्चा है आत्महत्या की ओर ना जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता पिता और बच्चे दोनों से गुजारिश है कि ये जीवन अनमोल है, इसे ऐसे ही ना गंवाएं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।